ओदे आ गया डॉक्टर। अबे काहे का डॉक्टर, ऐसा घिनौना काम करने वाले इंसानों के भेष में शैतान होते हैं। मैं तो कहती हूँ अपने अपने बच्चों को भी इससे दूर रखेंगे, पता नहीं कभी उनके साथ भी। अरे देख, अब ये डॉक्टर यहीं पे रहेगा। हम ऐसे नहीं होने देंगे, इन लोगों को तो इस चौल में क्या, इस दुनिया में ही रहना नहीं चाहिए। देखो ये रुक, इतना सब कुछ होने के बाद भी तू यहाँ फिर से मुंह उठाकर चलाया, शर्म नहीं आई तुझे? एक तो तूने डॉक्टरी पेशे को भी बदनाम कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, अपने प्रोफेशन की पूजा करता हूँ मैं। काय की पूजा, सब कुछ टीवी पर देख लिया मैंने, तेरा सब कुछ। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। बिल्कुल सही कह रहे हो डॉक्टर साहब, उठो, जरा सी भी गलत होती तो यहाँ पे नहीं खड़े रहते, अब तक चले जाते। बिल्कुल चले जाओ, यहाँ से जाओ, जाओ। बिल्कुल नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है हमारी चौल में रहने की, समझे आप? चले जाओ यहाँ से। हाँ चले जाओ यहाँ से, जाओ 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 जाओ, दोबारा मत आना। कैसे कैसे लोग हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अर्चना यहाँ होती तो वही ये बच्ची को देती। अर्चना का मानना था कि बेटी लक्ष्मी माँ का रूप होती है, इसलिए जब भी घर में कदम रखती है तो घर को खुशहाल कर देती है। आप गलत थे बाबा, अरे इस घर में खुशियाँ नहीं बल्कि मातम लेकर आई। कुछ नहीं मिस्टी, वो मैं रास्ते में चल रहा था ना तो फिसल गया। अनिल देखिए, आप मुझसे झूठ मत बोलिए, मुझे सच सच बताइए कैसे हुआ है। नहीं बाकी में मिस्टी, मैं गिर गया था। अनिल मैं कह रही हूँ, आप मुझे प्लीज सच सच बताइए, आप मुझसे झूठ कह रहे हैं। सोनल बताइए ना, ये चोट कैसे लगी। टीवी में न्यूज आ गई है, चौल वाले हम पर भड़के हुए, मुझे बुरा भला कह रहे थे, मेरे ईमान पर उंगली उठा रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया। और अरे वो कौन लोग थे, आप प्लीज मुझे उनका नाम बताइए। हम जानकर क्या होगा मिस्टी, क्या करूंगी। अरे उन्हें जाके उनको समझाऊंगी कि सच्चाई क्या है, आपने कुछ नहीं किया, उन्हें बताऊंगी। किस किस को सच्चाई बताओगी मिस्टी, तुम सच्चाई को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सच्चाई सच्चाई होती है। और दुनिया में बहुत लोग हैं बोलने वाले, हर एक को रोका नहीं जा सकता। हाँ उन्हें मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। कैसी बातें कर रही हो तुम मिस्टी। हाँ ओनर, आपको मेरी वजह से आपका इतना अपमान हो रहा है, कितनी बेइज्जती हो रही है, सब मेरी वजह से। ओनर आप डॉक्टर हैं, लोग आपकी इतनी इज्जत किया करते थे, आपको भगवान माना करते थे, कहाँ आज सब आप पे उंगली उठा रहे, आपकी बेइज्जती कर। ओनर ओनर हम एक काम करते हैं, हम ये सब कुछ छोड़ छाड़ के कोलकाता चलते हैं, वहाँ पे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है? नहीं मिस्टी, हम कोलकाता नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, मगर क्यों नहीं जा सकते ओनर? मिस्टी ये न्यूज़ नेशनल टेलीविजन पे फ्लैश हो चुकी है, और कोलकाता में हर कोई दूसरा बंदा मुझे अच्छी तरीके से जानता है,
वहाँ के लोग मुझसे बहुत गुस्सा हो चुके हैं। इनफैक्ट मुझे स्वामी दादा का फोन भी आया था, वो कह रहे थे कि हमारे घर में पत्थरबाजी हुई। क्या? हाँ मिस्टर, मैंने भी सोचा था कि हम लोग पहले कोलकाता चले जाएं, लेकिन जब तक वहाँ के लोगों का गुस्सा शांत नहीं होता तब तक हम लोग को यहीं पे कहीं बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो ठीक है ना ऑनर, हम कोलकाता नहीं जाएंगे, लेकिन लेकिन हम यहाँ पे भी नहीं रहेंगे। मैं इस तरह आपका अपमान होते हुए नहीं देख सकती। जिन लोगों की आपके सामने खड़े होने तक की औकात नहीं है, वो आप पे उंगली उठा रहे। और फिर दुनिया में ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनका जिनका घर नहीं है, वो भी तो किसी ना किसी तरह मैनेज करते हैं ना, तो हम भी मैनेज कर लेंगे ना उन्हें। और यहाँ पे हम कुछ ही दिन के लिए रहने आए थे ना, शायद ये सही वक्त है, हमें हमें ऐसे निकल जाना चाहिए। वैसे भी सोहम दादा और वर्षा मौसी यहाँ पे इतना मुश्किल से गुजारा करते हैं, नहीं तो उनका बड़प्पन है जो जो उन्होंने हमें यहाँ जगह दी, शायद अब हमें चलना चाहिए, है ना? सही कह रही हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने लिए कोई भी काम ढूंढ लेता हूँ और मैं कहीं रहने का बंदोबस्त करता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको क्या लगता है मैं आपको इस तरह अकेले जाने दूंगी? भूल गया, एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे कोई भी सुख दुख हो हम एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे। मिश्ते, लेकिन तुम मेरे साथ कहाँ कहाँ भटकोगी? हो सकता है मुझे सड़क पर रहना पड़े। तो रह लूंगी ऑनर, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक आप मेरे साथ हैं ना मैं कहीं पे भी रहूंगी। आप प्लीज उस चीज की टेंशन मत लीजिए। ऑनर पूर्वी, ये बैग क्या हो? एक्चुअली मौसी, वो हम लोग जा रहे हैं। जा रहे? ऐसे कैसे जा सकते हैं? और कहाँ जाएंगे आप? कोई घर है आप लोगों के पास या कोई ठिकाना? कामकाज में नहीं है आप लोगों के पास, ऐसे में कहाँ जाएंगे? सोम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ पर ज्यादा दिन रहना ऐसे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी आज से हमने सोचा है कि हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। हाँ दादा, और फिर ऑनर ने मेरा हर मुसीबत में साथ दिया, मैं उनको ऐसे अकेले तो नहीं छोड़ सकती, मुझे भी उनके साथ जाना होगा। कोनो कहीं नहीं जा रहा, समझ गए आप लोग? सोहम, जाने दे, यहाँ रहकर बेइज्जती सहने से अच्छा है कि ये लोग कहीं और जाकर सम्मान की और इज्जत की जिंदगी जिए। पूर्वी जानती है, आज तुझे और ऑनर को देखकर मुझे अर्चुताई और मानव जीजू की याद आ गई। उन्होंने भी बिल्कुल इसी तरह अपने बलबूते पर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। पता है उस वक्त उनके साथ कोई नहीं था, उनका घर परिवार सब उनके खिलाफ थे, यहां तक कि आई ने भी उनका साथ छोड़ दिया था, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। और आखिर अपनी मंजिल को पा ही लिया। मैं भी पापा से यही प्रार्थना करूंगी कि वो तुम दोनों को हमेशा साथ रखे और हर मुसीबत से लड़ने की ताकत दे। चलती हूँ। अरे नहीं, पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।